और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। सिद्धार्थनगर जिले में एक प्रधान की दबंगई सामने आई है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से किया सड़क खुलवाने की मांग, प्रधान द्वारा किया गया कब्जा। नौगढ़ विकास खंड के सेमरा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने गांव के मुख्य मार्ग को खुलवाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात किया। ग्रामीणों ने दिए शिकायत पत्र में कहा, गांव के ग्राम प्रधान द्वारा गांव के मुख्य मार्ग को झूठी बात बताकर रास्ते में दरवाजा लगवा दिया। ये कि रास्ता गांव में आने जाने वालों के लिए कोई रोक नहीं रहेगा, परंतु अब उसे पूरी तरह से बंद कर गांव के रास्ते को खत्म कर दिया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से रूबरू होते हुए कहा, अगर रास्ता नहीं खुलेगा तो ग्रामीणों का वहां से निकलना आना मुश्किल हो जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने संबंधित से जांच कराकर रास्ता खुलवाने की आश्वासन दिया है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता आर के शर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला, आप लोग यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे इकट्ठा हुए हैं? सर, गांव के बीच में मस्जिद है, मदरसा है, मजार है, आने जाने का रास्ता नहीं, गेट लगा लिए हैं। पहले तो गेट खुला था, अभी जल्दी से 2-3 महीने से ताला लगा देते हैं। कौन? तो ग्राम प्रधान मौजूदा। क्या चाहते हैं? जमशेद अहमद का। क्या चाहते हैं आप? रास्ता चाहते हो क्या? ट्रैक्टर चाली जाना हुआ आपके? मुझसे कहाँ रहने वाले? कहाँ? सेमरा। मामला क्या? रास्ता का मामला है, पूरा गांव का रास्ता है। रास्ता प्रधान जी जमशेद रोक के बैठा है, पूरे गांव के गाड़ी घोड़ा टट्टर टाली आवे जाए का रास्ता है, उसका रोक के बैठा है। और गेट जब लगवाए ने तो सबसे कही नहीं कि रात के लिए चोर बदमाश के लिए गेट लगता है, बाकी आम लोग आवे जाए। अब गेट लगा लेना उड़ता उनका कही जो सही तो अब जास्ती करते हैं, गाँव बात नहीं मानते हैं, दमदारी करते हैं, अपन ताकत दिखावते हैं उनका। हाँ। हम खबरों में बस इतना ही, बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।